हिंदी सिनेमा जिसे बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है, पहले इसे बॉम्बे सिनेमा का रूप में जाना जाता था। मुंबई में स्थित भारतीय हिंदी भाषा का फिल्म उद्योग है। फिल्म उद्योग दक्षिण भारत के सिनेमा और अन्य भारतीय फिल्म उद्योगों के साथ साथ निर्मित फीचर फिल्मों की संख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े भारतीय सिनेमा का हिस्सा है। दादा साहब फाल्के मूक फिल्म राजा हरिवंश 1913 भारत में बनी पहली फीचर फिल्म है। पहली भारतीय ध्वनि फिल्म अदेशिर ईरानी की आलम आरा 1931 व्यावसायिक रूप से सफल रही। 1930 के दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्मों का निर्माण हो रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक की शुरुआत तक को फिल्म इतिहासकारों ने हिंदी सिनेमा के लिए स्वर्ण युग कहा है। इस दौरान समीक्षकों द्वारा कुछ सबसे प्रशंसित हिंदी फिल्मों का निर्माण किया गया, जिसमें प्यासा, कागज के फूल, आवारा, श्री 420 आन शामिल हैं। इन फिल्मों ने सामाजिक विषयों की खोज की। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की राष्ट्रीय पहचान पर रहा है, जहां ये भारतीय कहानी का हिस्सा बन गया है।